बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक कंप्यूटर कॉलेज। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएससी पार्ट वन के पेपर एडीपी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम एडीएसएन बीएससी पार्ट वन के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और एक दो दिन में कंप्यूटर साइंस का पेपर जो है वो आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, इस हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि पेपर देने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, पेपर के हवाले से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, पेपर पैटर्न के हवाले से, पेयरिंग स्कीम जो है वो क्या होगी, आज हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक कंप्यूटर कॉलेज को फोन से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दूसरों तक भी शेयर किया करें। स्टूडेंट्स, पेपर पैटर्न और पेपर स्कीम की अगर मार्क्स की बात करें कि मार्क्स की डिवीजन किस तरह से पेपर में की गई है आपके और किस तरह से पेपर जो है वो आता है बीएससी पार्ट वन का, एडीपी बीएससी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स टू ईयर का जो पेपर है। स्टूडेंट्स, इसमें आपका जो पेपर है जो कि रिटन पेपर होता है वो टोटल 70 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, और इसमें 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। 70 और 30 टोटल भी इस तरह से 100 मार्क्स का पेपर बनता है। अभी फिलहाल हम सिर्फ रिटर्न पेपर को डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी एक दो दिन में आपका रिटर्न पेपर होने वाला है, प्रैक्टिकल पेपर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, रिटर्न पेपर की अगर हम बात करें तो आपका जो कंप्यूटर साइंस का पेपर आपको आएगा उसके दो पार्ट होंगे, जैसा कि आपने दो कंप्यूटर की बुक्स भी पढ़ी होंगी, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और एक वी और बेसिक प्रोग्रामिंग की, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। तो स्टूडेंट्स, पेपर में भी दो इसी तरह से दो बुक्स की अलग अलग रिवीजन की गई है, मार्क्स की भी रिवीजन की गई है। तो जो पार्ट वन है आपका वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और टोटल 35 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 35 मार्क्स का पेपर आउट ऑफ 70, जो 35 मार्क्स का पेपर है वो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से आएगा, जिसमें 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक है। क्वेश्चन आपको जो है वो दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो ऑब्जेक्टिव पेपर है होता है आपका एडीपी बीएससी का वो किस तरह से अटेम्प्ट करना होता है। तो स्टूडेंट्स, 15 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा 15 मार्क्स का, जिसमें एग्जामिनर की मर्जी है, पेपर सेटर की, वो आपको एमसीक्यूज भी पूछ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स भी पूछ सकता है और फिलिंग दी ब्लैंक्स भी पूछ सकता है। वैसे आमतौर पर जो आम प्रैक्टिस है वो एमसीक्यूज ही है कि हर साल आपको एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं। सिर्फ एक साल जो है वो 2016 का जो पेपर आया था उसमें ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज की जगह पूछे गए थे, ठीक है, ट्रू फॉल्स आ गए थे। तो ये पेपर सेटर की मर्जी है, लेकिन वो सिर्फ एक ही साल हुआ था, बाकी तमाम साल जो है हर साल आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं 15 मार्क्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज आप कहाँ से कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एमसीक्यूज आमतौर पे जो पास्ट पेपर्स होते हैं जो कि पिछले सालों में आए हुए हैं उन्हीं में से तकरीबन एमसीक्यूज जो है वो मोस्टली एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पास्ट 5 ईयर पेपर्स में जो पूछे गए एमसीक्यूज उनका सलूशन भी टेक कंप्यूटर कॉलेज इसी चैनल पे मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा उस वीडियो का। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वहां से जाके तो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें तमाम जो पास पेपर्स हैं उनका सलूशन जो है वो मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर टेक कंप्यूटर कॉलेज के चैनल पे मौजूद है वीडियो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहे स्टूडेंट्स, ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं पास्ट 5 ईयर्स पेपर्स के, पास्ट 5 ईयर्स के हैं और लास्ट 10 ईयर्स पेपर के एमसीक्यू भी सॉल्व करके मैंने आपको बताए थे, वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ये सारे तमाम वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख के एमसीक्यू प्रिपेयर कर सकते हैं। एमसीक्यू स्टूडेंट्स क्योंकि ऐसे
क्वेश्चन होते हैं जिनका आपको मैक्सिमम जो है वो मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, इजीली आप मार्क्स उनमें गेन कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होते हैं। तो लास्ट 10 ईयर्स के एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करके जो पास पेपर में पूछे गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज वो आपको इन वीडियोज में मैंने बताए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ये वीडियोज भी देख लीजिएगा ताकि आपका ऑब्जेक्टिव जो 15 मार्क्स का आपको आने वाला है ये वाला पोर्शन आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, 15 मार्क्स ये और 15 मार्क्स भी आपको एमसीक्यू जो है वो रियल बेसिक के वाले से पूछे जाएंगे। टोटल आपको 30 मार्क्स जो है आपके आउट ऑफ 70 वो ऑब्जेक्टिव के होंगे, एमसीक्यूज के होंगे, जो कि आपको मैंने बताया कि जैसे कि जो पास पेपर्स होते हैं लास्ट ईयर पेपर्स उनमें मोस्टली एमसीक्यू रिपीट होते हैं, लिहाजा आप वो वाली वीडियो लास्ट भी देखिए जो अगर आपने वो नहीं देखी तो। स्टूडेंट्स जो आईटी का फर्स्ट क्वेश्चन होगा उस 15 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद सब्जेक्टिव की अगर बात करें तो आपको टोटल 3 थेरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आईटी से रिलेटेड, जिनमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 आपको टोटल क्वेश्चन सब्जेक्टिव पार्ट में पूछे जाएंगे आईटी के सब्जेक्टिव पार्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, जो कि थेरेटिकल क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स होंगे। इन 3 क्वेश्चन में से आपने कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट्स 15 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और 2 आप इनमें से थेरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो टोटल आपके जो है वो इस तरह से 35 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे आईटी के पार्ट के। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम रियल बेसिक की बात करें तो रियल बेसिक प्रोग्रामिंग ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो पार्ट है, हाफ मार्क्स जो है वो तकरीबन आपके पेपर के रियल बेसिक प्रोग्रामिंग के है। इसमें भी स्टूडेंट्स आपको 15 MCQs पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के, और ये भी जो मोस्टली MCQs है वो लास्ट, अगेन मैं आपको यही कहूंगा कि पास्ट ईयर पेपर्स जो है उनमें से जो है वो मोस्टली MCQs रिपीट होते हैं और इन तमाम का सलूशन जो है वो टेक कंप्यूटर कॉलेज पे मौजूद है, वीडियोस में मौजूद है, इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपने ये वीडियोस देख लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका जो MCQs का पार्ट है ये आपके 15 मार्क्स ये और 15 मार्क्स जो IT के MCQs के हैं ये वाले, ये टोटल 30 मार्क्स आपके इंशाल्लाह पक्के हो जाएंगे कि ये आपके कंफर्म है। ठीक है, तो सेकंड स्टूडेंट से अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है पेपर में 35 मार्क्स का, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो MCQs का हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन में आपको एक विजुअल बेसिक से रिलेटेड थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, थ्योरी का भी पूछा जा सकता है और प्रोग्राम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है बाकी 2 क्वेश्चन हैं ये तो लाजमी आपको प्रोग्राम ही पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें भी आपको 3 टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने होंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हम अगर सिर्फ थ्योरी कर लें या बेसिकली प्रोग्रामिंग ना करें तो क्या हमारा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, क्या हम पास हो जाएंगे? तो स्टूडेंट्स अगर आप सिर्फ थ्योरी कर लेते हैं प्रोग्रामिंग नहीं करते तो आपका 100% पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको प्रोग्रामिंग जो है वो फिर भी थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, आपको कम अज कम एक प्रोग्राम लाजमी पेपर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि देखें आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं रियल बेसिक के पार्ट में, जिनमें से एक जो है वो चले थ्योरी का होगा आप कर लेंगे, लेकिन बाकी जो 2 क्वेश्चन होंगे वो कोई ना कोई प्रोग्राम आपसे पूछा जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप प्रोग्राम लिखें रियल बेसिक में। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग आती होगी तो आप लिख लेंगे और अगर नहीं आती होगी तो ये आपका क्वेश्चन रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दूं, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप थ्योरी का क्वेश्चन प्रोग्रामिंग के लिए, जो स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग में वीक हैं या प्रोग्रामिंग उन्हें नहीं आती, तो स्टूडेंट्स तमाम आप जो पास्ट पेपर्स में प्रोग्राम आए हुए हैं वो तमाम प्रोग्राम्स का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन है मैंने टेक कंप्यूटर कॉलेज के इसी पेज पे यहाँ पर तमाम वीडियोज अपलोड की हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें ये 2017 के पेपर में जो प्रोग्राम है वो सॉल्व किया गया है, 2017-17 का, इसी तरह 2020 का। ठीक है,
यहाँ पर आपको इस चैनल पर तमाम प्रोग्राम का सलूशन मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टेक कंप्यूटर कॉलेज पे आपको बीएससी के तकरीबन 5 ईयर्स में जितने भी प्रोग्राम आए हैं तमाम का सलूशन यहाँ पे लाइव प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। आप यहाँ से जाके देख सकते हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में रह ना जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीएल बीएससी के पार्ट में भी 35 मार्क्स का जो पेपर है वो इसी तरह कम्प्लीट होगा कि 15 मार्क्स आपके एमसीक्यूज के होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, और बाकी जो आपके सब्जेक्टिव पार्ट होगा वीएल बीएससी का उसमें से भी आपने 3 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और इस तरह आपका 35 मार्क्स का वीएल बीएससी का पेपर भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था पेपर पैटर्न जो कि जिस पैटर्न पे आपको पेपर आएगा आने वाला है। आप तो आपके ये तमाम बातें आपके जहन में होनी चाहिए ताकि आप इसी तरह से इसको जहन में रखते हुए अपनी तैयारी करें। लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करनी है पेपर के अंदर। सो स्टूडेंट्स, आपको एमसीक्यूज की एक शीट दे दी जाएगी, एक पेपर दे दिया जाएगा एमसीक्यूज का ऑब्जेक्टिव टाइप का। आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, बस आपने सिंपल 2 कॉलम बना लेने हैं। कॉलम ना भी बनाए, बस क्वेश्चन का नंबर लिखना आपने साल के तौर पर, अगर क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज नंबर 1 और आगे ए बी सी में उसकी करेक्ट ऑप्शन लिख देंगे। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ए है तो सिंपल इधर क्वेश्चन का नंबर लिखें, एमसीक्यूज का नंबर लिखें, आगे उसकी करेक्ट ऑप्शन लिख दें अपनी आंसर शीट पे। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पेपर के ऊपर आपने टिक नहीं करना क्योंकि वो पेपर आपको दे दिया जाता है, आप वो घर ले आते हैं, वो पेपर आपका साथ नहीं जाएगा। आपने जो ऑब्जेक्टिव होती है वो भी सब्जेक्टिव शीट पे ही सॉल्व करके देनी होती है। ठीक है, तो वो आप ऐसे ही करेंगे कि आप एक तरफ एक साइड पे जो है वो एमसीक्यूज का नंबर लिखते जाएं, दूसरी साइड पे आप उसकी करेक्ट ऑप्शन लिखते जाएं। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 2 की करेक्ट ऑप्शन सी है, आप 2 लिखेंगे और आगे उसकी करेक्ट ऑप्शन सी लिखेंगे। इसी तरह 3, और अगर इसकी करेक्ट ऑप्शन आपको डी लिखती है तो आप डी लिख देंगे। इसी तरह आपने तमाम एमसीक्यूज जो आपकी सब्जेक्टिव शीट होगी जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी एग्जामिनर की तरफ से, आपने उस पर अटेम्प्ट करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था आपका सारा पेपर पैटर्न, आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से पेपर आएगा, पेपर पेयरिंग स्कीम क्या होगी और कौन से मार्क्स, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, और ये भी बता दिया कि आप इसी की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों तक भी शेयर किया करें और साथ में के बेल आइकन को भी दबा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाजत। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज़।